सफलता एक खेल है। आप जितनी अधिक बार इसे खेलेंगे, उतनी ही अधिक बार जीतेंगे, और जितनी अधिक बार आप जीतेंगे, उतनी ही अधिक सफलता से आप इसे खेल सकेंगे। इस बुक में हम ये जानेंगे कि कैसे हम कम मेहनत में अधिक अमीर बन सकते हैं। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं भी हैं, तो भी इससे आपको लोगों को समझने और समझाने की बहुमूल्य टेक्निक सीखने को मिलेगी। नेटवर्क मार्केटिंग करने वाले लोगों के लिए यह किताब एक धार्मिक किताब साबित होगी। अगर आप इस बुक में बताए गए रास्ते पर चलते हैं, तो निश्चित है कि आप अपने क्षेत्र में उस पायदान पर जल्दी पहुंच जाएंगे जिस पर आपकी निगाहें टिकी हैं। सवाल ही जवाब है। मैं एलन पीज पहली बार में नेटवर्क मार्केटिंग में यूज होने वाली लगभग सभी टेक्निक को बहुत ही आसान भाषा में समझाते हैं। यह बुक सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग के लिए नहीं है, बल्कि उन सब के लिए है जो बाजार में अपने कदम रखते हैं। आपको किससे मिलना चाहिए, कैसी बात करनी चाहिए, कैसे कपड़े पहनने चाहिए, कैसे बैठना चाहिए, ये सारी चीज़ें इस बुक समरी में बताई गई है, जो बेहद ज़रूरी है, जिसे आप हर दिन गलत करते हैं। इस बुक समरी को सुनने के बाद आप अपनी डेली के एक्शन में बदलाव ला सकते हैं। ऑथर ने हमें 5 खंड के माध्यम से समझाया है। पहला खंड है ज्यादा लोगों से मिले। नेटवर्क मार्केटिंग में कदम रखने वाले दूल्हे बाजार तो बाजार अपने आसपास के लोगों से भी नहीं मिलते, और अगर मिलते भी हैं तो अपने का के बारे में उनसे बताना मुनासिब नहीं समझते। तो ऐसा आप बिल्कुल भी ना करें। यह सबसे महत्वपूर्ण नियम है। जिसके पास भी थोड़ा बहुत सुनने का समय हो, आप उनसे तुरंत मिलिए और बात करना शुरू कर दीजिए। इस मामले में घमंडी या बहानेबाज ना बने जो अच्छे संभावित ग्राहकों को छांटकर नकारने का प्रयास करता हो। अगर आप लोगों से मिलने से पहले ही अपने मन में ये ख्याल लाते हो कि वो घमंडी है, बहानेबाज है, अमीर है, गरीब है, उसके पास समय नहीं है, पता नहीं मेरी बात को सुनेगा या भगा देगा, या फिर वो बूढ़ा है, या वो जवान है, वो अभी बच्चा है, इत्यादि, तो आप असफलता के मार्ग पर अग्रसर हैं। अपने बिजनेस को जमाने के शुरुआती दिनों में आपको हर एक से बात करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपको अभ्यास की ज़रूरत है। आप कोशिश करें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिलें और अपनी बात को रखें। अगर आपके पास और अपने ग्राहकों के नंबर हैं, तो उन्हें लगातार फ़ोन करते रहें और अपनी स्कीम या प्रोडक्ट्स के बारे में उन्हें बताते रहें, और औसत के नियम का भी प्रयोग करें। मान लीजिए आज आप अपने घर से 10 पेन लेकर बाजार में बेचने के लिए निकले, जिसकी कीमत 50 रुपये है। आप 10 लोगों से मिले, 6 लोगों ने आपकी बात को सुना, 3 लोगों ने आपके पेन में दिलचस्पी दिखाई और 2 लोगों ने इसे खरीद लिया, तो औसत होगा 10:6:3:2। 2 पेन के बेचने पर आपको 100 रुपये प्राप्त हुए। इसका मतलब आपने उन सभी 10 लोगों से 10-10 रुपये हासिल करने में आप कामयाब हुए। भले ही 6 लोगों ने आपको नकार दिया, लेकिन आप अपने काम में सफल हुए। इस प्रकार आप हमेशा औसत के नियम को याद रखें और अपने पर लागू करें। अगला खंड है खंड 2, नेटवर्क मार्केटिंग में खजाने की 4 कुंजियों का प्रयोग करें। पहली है बर्फ पिघलाएं। बर्फ पिघलाने का मतलब है कि संभावित ग्राहक के साथ तालमेल बैठाना। अगर सामने वाला आपको पसंद करने लगता है, तो इस बात की काफ़ी संभावना है कि वो आपकी योजना को भी पसंद करेगा। अगला है सही बटन की तलाश करें। एलन पीज के शोध के अनुसार नेटवर्क मार्केटिंग संगठन में शामिल होने वाले अधिकतर लोगों के प्राथमिक प्रेरणा घटक निम्नलिखित हैं। पहला है अतिरिक्त आमदनी, अगला है आर्थिक स्वतंत्रता, अगला है स्वयं का बिजनेस, अगला है ज़्यादा खाली समय, अगला है व्यक्तिगत विकास, अगला है दूसरों की सहायता करना, अगला है नए लोगों से मेलजोल, अगला है रिटायरमेंट, और सबसे लास्ट है जायदाद छोड़ना। आप अपने ग्राहक से बात करने के दौरान इन सभी सूचियों में से किसी एक की कमी के बारे में बात कर सकते हैं, जिसके बाद वो अपने आप को आपके सामने खोल कर रख देगा। फिर आपने इसे क्यों चुना, यह आपके लिए महत्वपूर्ण क्यों है, अगर उसे नहीं मिला तो क्या होगा, इन परिणामों से आप चिंतित क्यों हैं, यानी कि आप बार बार उसे ही अपनी कमियों को कहने दें, जिसके बाद वो आपको ध्यानपूर्वक सुनने लगेगा।
और तब आप अपना अगला कदम बढ़ाएं, सही बटन दबाएं उदाहरण के तौर पर, तो इसका मतलब है कि आप अपना भाग्य स्वयं बना सकते हैं और आपके पास अपने परिवार के साथ बिताने के लिए ज़्यादा समय होगा, या इसका मतलब है कि आप आराम से रिटायर हो सकते हैं और आपको हर वह आराम मिलेगा जो आपके अनुसार आपको चाहिए। सौदा पक्का करें। अगर उपयुक्त सभी प्रणाली के साथ आप व्यवहार करते आए हैं तो अब आपको चिंतित होने की जरूरत नहीं है। अगर आप जानते हैं कि संभावित ग्राहक को किस तरह भावनात्मक रूप से विचलित किया जा सकता है तो वे अपनी समस्याओं के लिए स्वयं समाधान खोजना प्रारंभ कर देंगे। बस अपना मौका देखते हुए अब आप सौदा पक्का कर सकते हैं। खंड 3, पुल बनाना। छोटे जवाब देने वाले संभावित ग्राहक को संभालने का सर्वोत्तम तरीका यह है कि उनसे चर्चा करते समय पुल बनाए जाएं। अर्थात यानी उदाहरण के तौर पर, फिर, इसलिए, तब आपने, इसका मतलब है हर पुल के बाद आपको चुप हो जाना चाहिए। सौभाग्य से शिव ने पुलों का उपयोग करना सीख लिया था और फ्रेड के साथ उसकी चर्चा इस तरह चली, शिव आप इस व्यवसाय में कैसे आए? फ्रेड, मेरी हमेशा से ही कंप्यूटरों में रुचि थी। शिव यानी फ्रेड यानी सिस्टम को बड़े और मध्यम आकार की कंपनियों में लगाना। शिव इसका मतलब है कि मैं किसी भी कंपनी की कार्य प्रणाली में सुधार के लिए ऐसा सॉफ्टवेयर तैयार करने में सहायता करता हूँ जिससे जिंदगी आसान हो जाए। शिव उदाहरण के तौर पर, फ्रेड उदाहरण के तौर पर कल की ही बात ले लें। कल मैंने एक कंपनी में अपना सिस्टम लगाया। उस कंपनी में गंभीर लेखांकन की समस्या थी। उन्होंने मुझे बुलाया और इस मामले में शिव ने न केवल सफलतापूर्वक एक किला जीत लिया था बल्कि वह इंटरव्यू लेने वाले की तरह भी नहीं लगा था। सुनने की देहभाषा। अपना नियंत्रण दे देने के बाद आप पीछे की ओर टिक जाएं और अपने हाथ को अपनी ठुड्डी पर रख लें और इस तरह मूल्यांकन की स्थिति में आ जाएं। इससे सुनने वाले को तत्काल यह मालूम पड़ जाता है कि उससे बातचीत शुरू करनी है क्योंकि आप पीछे टिके हुए हैं। अपने सिर को हिलाने की टेक्निक। जब वक्ता और श्रोता दोनों अपने सिर हिलाते हैं तो श्रोता को सकारात्मक भावनाओं का अनुभव होता है और इससे सकारात्मक परिणाम निकलने की अधिक संभावना होती है। सिर हिलाने की कला आसानी से सीखी जा सकती है और एक सप्ताह के भीतर आप इसे अपने देहभाषा संकेतों का स्थायी हिस्सा बना सकते हैं। न्यूनतम प्रोत्साहक। जब दूसरा व्यक्ति बोल रहा है तो न्यूनतम प्रोत्साहकों के प्रयोग द्वारा उसे बोलते रहने के लिए प्रोत्साहित करें, जैसे कि अच्छा, हाँ, सच, फिर क्या हुआ। खंड 4, सकारात्मक प्रभाव डालने की सशक्त तकनीकें। इसमें एलन पीज अपने ग्राहक से मिलते समय उससे हाथ मिलाने के तरीकों और उससे निकालने वाले अर्थ को बताते हैं। अगर हाथ मिलाते वक्त आपका हाथ नीचे की तरफ होता है तो इसका मतलब है नियंत्रण लेना। अगर हाथ मिलाते वक्त आपका हाथ ऊपर की ओर है तो इसका मतलब है नियंत्रण देना। अगर हाथ मिलाते वक्त दोनों का हाथ एक समानता यानी कि बराबर है तो इससे हर एक आरामदेह व भयहीन महसूस करेगा। आपको कभी भी ऐसे हाथ नहीं मिलाना चाहिए। मान लो नए लोगों का डबल हैंडर या दोनों हाथ से अभिवादन ना करें। हालांकि इसका लक्ष्य स्वागत, गर्मजोशी और प्रागढ़ता की भावना प्रजेंट करना होता है, पर सामने वाले पर इसका बिल्कुल उल्टा प्रभाव होता है। उसे नहीं लगता कि आप गंभीर हैं, कम विश्वसनीय हैं या आप छुपे हुए उद्देश्य से परे रोट हैं। हमेशा एक हाथ से ही हाथ मिलाएं। मुस्कुराहट की शक्ति। इस संकेत से रिसर्च बताती है कि आप जिसका जितना अधिक इस्तेमाल करेंगे लोग आपके उतने ही पास खड़ा होना चाहेंगे, आपको अधिक देखना चाहेंगे, आपको छूने के लिए अधिक प्रेरित होंगे और आपके साथ लंबे समय तक रहना चाहेंगे। दूसरे शब्दों में आपके बिजनेस और व्यक्तिगत जीवन के लिए मुस्कुराहट बड़े फायदे की चीज़ है क्योंकि यह दर्शाती है कि उनको आपसे कोई खतरा नहीं है। खंड 5, देहभाषा। सामने वाले से बात करते समय सिर ना खुजाने लगें, ठुड्डी हाथ से टिकाकर पैर मोड़कर ना बैठें, बात करते समय हाथ पैर बांधकर या मोड़कर ना बैठें, सांस्कृतिक भिन्नताओं का ध्यान रखें,
बार बार हाथ से चेहरे को ना छुएं, सामने वाले की आंखों में देखते हुए बात करें, ज़्यादा सुनने की कोशिश करें। नेटवर्क मार्केटिंग में शामिल होते समय अधिकतर लोगों को सबसे बड़ा डर यह होता है कि उन्हें ऊंचाई पर पहुंचने के लिए अधिक सफल सेल्समैन बनना पड़ेगा। हमारा उद्देश्य उसी डर को दूर करना है। इस बुक में एक सरल पद्धति बताई गई है जो आपको वह रास्ता दिखाएगी जिससे आप नए लोगों को अधिक सरलता से शामिल कर सकेंगे। इसमें कुछ तकनीकें हैं, कुछ सिद्धांत हैं जो निश्चित रूप से काम करेंगे, बशर्ते कि आप काम करें। नए लोगों की खोज में ना जाएं, बल्कि उन संभावित ग्राहकों को खोजें जो आपकी प्रस्तुति को सुनना चाहते हैं। जब आप रुचि लेते हैं तो आपको संभावित ग्राहक भी आपकी बातों में और रुचि लेते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में शामिल होने वाले हर व्यक्ति का प्राथमिक प्रेरणा घटक वह नहीं होता जो कि आपका हो। अगर आप सकारात्मक अनुभव करते हैं तो किसी से बात करते समय आप सर हिलाना शुरू कर देंगे। एक रिसर्च से पता चला है कि आमने सामने की प्रस्तुति में किसी व्यक्ति के दिमाग तक पहुंची जानकारी में से 87% आंखों के माध्यम से पहुंचती हैं, 9% कानों के द्वारा और बाकी बची हुई 4% अन्य इंद्रियों के द्वारा। ऑथर ने आदमी और सर्कस के जोकर में एक बहुत ही शानदार अंतर बताया है। आदमी और सर्कस के जोकर में ये अंतर है कि उसे पता होता है कि वो अजीब कपड़ा पहने हुए है, लेकिन आदमी को यह पता नहीं होता। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।